एक आम नहीं खाता हूं। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बनकर के तैयार है, और इसके बाद में बनेगा आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, देखो आप, इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दरअसल वह होता है जिसमें प्रश्न भी होता है और मनाई भी होती है। ऐसा सेंटेंस जिसके अंदर प्रश्न भी होता है और मना करने का भाव भी होता है। जैसे मैंने आपको कहा, पहले मैंने कहा मैं एक आम खाता हूं, बाद में मैंने कहा क्या मैं एक आम खाता हूं, आगे मैंने कहा कि मैं एक आम नहीं खाता हूं, अब मैं कह रहा हूं कि क्या मैं एक आम नहीं खाता हूं, यानी मैं खाता हूं, क्या मैं एक आम नहीं खाता हूं। अगर ऐसा सेंटेंस आपको बनाना है तो क्या करोगे, डू को उठा करके तो बाहर लाओगे। तो इस तरीके से आपका सेंटेंस जो बनेगा, डू आई नॉट ईट ए मैंगो। ओके, एक बात समझें आप, नाइन्थ क्लास के अंदर एक पोयम है जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन। कविता का नाम देखो आप क्या है, द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन बाई रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है ये अमेरिकन पोएट हैं, और इनकी कविता है द रोड नॉट टेकन, यानी वह सड़क जो हमने नहीं अपनाई। एनोट, आप देख रहे हैं नोट अकेला आ रहा है, और नोट यहां अपने 24 फ्रेंड्स में से किसी को भी साथ लेकर के नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये गलत है। ये गलत और सही का प्रश्न नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि पोएट्री है। पोएट्री के अंदर तो नोट का प्रयोग अकेले कवि कर देते हैं, परंतु जो स्टैंडर्ड रूल ऑफ इंग्लिश है उसके अकॉर्डिंग जब भी नोट आता है तो अपने साथ में किसको लेके आता है, अपने 24 फ्रेंड्स में से किसी एक को साथ लेके आता है। इसलिए आप इस बात की तुलना इस बात से न करें, ये पोएट्री है। तो इस तरीके से बच्चों ये जानकारी दी मैंने आपको, और जो बाकी बात